कभी अलविदा ना कहना। मैसेज व्हाट्सएप पे रीड भी किया लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। यानी अभी मैंने अपने काउच सर्फिंग होस्ट को मैं तभी से एक घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो उनका फोन ही नहीं लग रहा है। आज होटल लेना ही पड़ेगा लग रहा है क्योंकि ये कच्चा फूड 10 रुपए का 4 पैकेट। सो गाइज फाइनली अलविदा बोलने का समय आ गया है विकास जी को। जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन विकास जी ने जो है काफी समय तक मैंने 5 दिन तक बहुत लंबा हमें होस्ट किया तो उनके लिए मैं उन्हें काफी धन्यवाद देना चाहूंगा। वहाँ पर लेदो से स्टार्ट करके उधर 2 दिन फिर अरुणाचल भी हम लोग गए उसके बाद फिर 1 दिन यहाँ पर मतलब 5 दिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने होस्ट किया। तो चलिए अब गुड बाय बोलते हैं और यहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया है। बाय बाय फोन करेंगे ठीक है ठीक वीडियो कॉल करेंगे वहाँ से। सो गाइज अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जोरहाट की तरफ। तो जोरहाट के लिए यहाँ से मिल जाएगी मुझे बस जोरहाट जाने में। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है जोरहाट। ये है जागुन विलेज। सो 200 किलोमीटर जाने में कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे लगेंगे और हिचाइक अगर होता है तो हिचाइक भी ट्राई करेंगे। अगर कोई बंदा मिल जाता है तो हिचाइक ट्राई करेंगे लेकिन एक्चुअल में जो जॉब वाले या नौकरी वाले होते हैं वो उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता। तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। जॉब के कारण जो है मुझे लिमिटेड छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अनलिमिटेड छुट्टी अगर होता तो पक्का मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता हिचाइक ही करता लेकिन मजबूरी है। और अगर फ्लाइट की टिकट वगैरह भी काफ़ी डेट जो है फिक्स है तो ज़्यादा हिचाइक के चक्कर में समय का भी लॉस हिचाइक में होता है। हिचाइक में एक्सपीरियंस भी होता है वो बात है लेकिन थोड़ा सा समय भी लगता है। मैं जहाँ पर आपको अगर 1 घंटे में पहुँचना है तो हिचाइक में आपको 5 घंटे 6 घंटे या दिन भर भी लग सकता है। सो ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। कभी कभी हिचाइक बहुत आसानी से हो जाता है कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आती है। सो अभी विकास भाई चलेंगे मेरे साथ चौराहा तक। उसके बाद वहाँ से बस लेके पहले जाना होगा जागुन मतलब बस स्टैंड जाना होगा ना जी। उसके बाद जागुन से फिर तिकसुनिया का बस लेना होगा। डायरेक्ट जोरहाट का तो यहाँ से नहीं मिलेगा। हाँ तो सबसे पहले तिकसुनिया जाना होगा। ये डिस्ट्रिक्ट भी तिकसुनिया डिस्ट्रिक्ट ही है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। बार बार मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। मैं कभी कभी उसको तिकसुनिया बोल देता हूँ। ये तिनसुकिया है ये एक्चुअल में। सो चलिए बस स्टैंड पर मिलते हैं फिर। सो मैं भी आ गया हूँ जागुन पे बस स्टैंड पे और यहाँ से और ये बस में मैं चढ़ के जाऊँगा यहाँ से डिब्रूगढ़ पहले। सो पहले यहाँ से जाना होगा मुझे डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़ से फिर दूसरी बस पकड़ के जाना होगा जोरहाट के लिए। तो यहाँ से डिब्रूगढ़ में लगभग 4 घंटे और उधर फिर 2-3 घंटे तो लगभग जोरहाट पहुँचते पहुँचते मुझे 3-4 बज जाएंगे। यानी सुबह के अभी 8 बज रहे हैं तो 5-6 घंटे लग ही जाएंगे मुझे वहाँ तक जोरहाट तक पहुँचने में। तो यहाँ पर एक हो गया एक प्रॉब्लम। चलो पीछे जिस बस से मैं आ रहा था वो बस जो है पैसेंजर कम होने के कारण डिब्रूगढ़ तक नहीं जा रही है तो उन लोगों ने मुझे दूसरी बस पे बैठा दिया और ये दूसरी बस है। तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ पहुँचने में 2 घंटे और लगभग लगने वाले हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ डिब्रूगढ़ और बस उतर चुका हूँ और अभी मैं इस गाड़ी पे जा रहा हूँ जोरहाट के लिए। बोला मैंने पहले सोचा था यहाँ पर कुछ करके कुछ खा लूँगा लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तो जोरहाट यहाँ से 3 घंटे और लगेगा। तो ये है डिब्रूगढ़ सिटी। असम में गुवाहाटी के बाद ये सबसे बड़ा शहर यही है और इसी एयरपोर्ट में मैं लैंड किया था। मैंने कलकत्ता से डिब्रूगढ़ के लिए लेकिन वापसी की जो फ़्लाइट है मेरी वो जोरहाट से है। तो आने वाले जो वीडियोस आएंगे वो जोरहाट और उसके आसपास के एरियाज़ के आएंगे और मुझे कुछ 2-3 काउच सर्फिंग होस्ट्स भी मुझे जोरहाट में मिले हैं लेकिन मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है किसके पास जाना है तो वहाँ जाकर ही डिसाइड करूँगा मैं। तो जागुन से डिब्रूगढ़ पहुँचने में मुझे लग गए बस में 4.5 घंटे और इसके लिए किराया दिया मैंने 280 रुपये का।
तो 125 किलोमीटर के लिए ये 4.5 घंटे कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इस बार टेम्पो ट्रेवलर में मैं चढ़ा हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि बस में जो है 5 घंटे वो लगा देंगे। देखते हैं कितने घंटे ये गाड़ी कितने घंटे लगाती है। ये कच्चा बूट 10 रुपये का, 4 पैकेट। सो गाइज, टेम्पो ट्रेवलर ने कहा था कि 3 घंटे में जोरहाट पहुँच जाएगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है। 1 बजे मैं चढ़ा था, लेकिन अभी 3:30 बज गए हैं और अभी भी 50-60 किलोमीटर बचा हुआ है। भूख काफ़ी लग रही है, लंच भी मैंने नहीं किया था, और बिस्कुट खा लेते हैं यहाँ पर। और माजुली जाने की भी मेरी प्लानिंग थी, लेकिन लग रहा है कि माजुली अब आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 बज चुके हैं, 4 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते। तो 4 बजे जो फेरी बंद हो जाती है, तो माजुली वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा। तो देखते हैं जोरहाट में मैं कहाँ पर रुकता हूँ, ये अभी तय नहीं है। एक चाय दे दीजिएगा। तो एक चाय पड़ी मेरे को 5 रुपये की, काफ़ी ज़्यादा मीठी है। बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड जाना है आपको? तो मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। केंदुगिरी ने क्या जगह है, उस जगह है ना, तो उसके आसपास उतार दीजिएगा मेरे को। केंदुगिरी तो ना मिले, टेम्पो पा जाएगा। अच्छा, केंदुगिरी तो नहीं जाता है? अब टाउन जाएगा, टाउन वाला पार्क भी है, इसीलिए बोल रहे हैं। आपको केंदुगिरी के पास उतार दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, माजुली वाला फेरी बंद हो गया होगा अभी तक? अभी नहीं मिलेगा, कल सुबह मिलेगा। और शाम तक कितना बजे तक रहता है? शाम तक 7:30 बजे जाएगा। 8:30 बजे शाम को? 8:30 बजे, वो बहुत रात हो जाएगा। सुबह कितना बजे स्टार्ट होता है? सुबह जाएगा 8:30 बजे। अच्छा, सुबह जाएगा, कार होटल में रहना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट कब तक जाता है? लास्ट 3 बजे लास्ट है। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ठीक है, दूसरे क्या आपको जाने से कल जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, केंदुगिरी में दोस्त हैं उसके। तो ये पक्का हो चुका है कि आज माजुली नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि 3 बजे फेरी बंद हो जाती है। तो केंदुगिरी मुझे काउचसर्फिंग होस्ट मिले हैं, जो जोरहाट टाउन के अंदर में ही है, तो वहाँ पर जाके मुझे रुकना पड़ेगा। तो गाइस, मैं भी जोरहाट पहुँच चुका हूँ, और अभी मैंने अपने काउचसर्फिंग होस्ट को मैं तभी से 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, और मैसेज भी मैंने किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से कुछ, और अभी फ़ोन भी आउट ऑफ रीच हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे होटल लेना ही पड़ेगा, तो मुझे जाना होगा यहाँ से जोरहाट टाउन। और भी मैं शाम तक कुछ, मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फास्ट फूड के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये हाईवे किनारे का एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर है, तो आज होटल लेना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि काउचसर्फिंग आज थोड़ा काउचसर्फिंग में प्रॉब्लम आ गई है, और इसके डिटेल्स मैं आपको होटल जाकर बताता हूँ कि वहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था मेरे साथ। तो गाइज़, ये है जोरहाट टाउन, और मैं हाईवे से जो है ऑटो पकड़ के यहाँ पर आ चुका हूँ जोरहाट सिटी के अंदर, और यहाँ पर मुझे खोजनी है होटल। सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सस्ते में कोई, अगर कोई लॉज वगैरह मिलता है तो उसे ले लूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर होटल ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सर्च करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जब रूम मिल जाएगा तो मैं आपको रूम के अंदर से सारी कहानी आज की मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गुड इवनिंग गाइज, फाइनली जोरहाट में मैंने एक होटल ले लिया है, और ये एक छोटा सा कमरा है, एक लॉज है, और इसके लिए मैं पैक कर रहा हूँ सिर्फ 300 रुपये एक रात के लिए। तो मुझे सिर्फ एक रात गुजारनी है यहाँ पर, अगले दिन सुबह मुझे निकल जाना है माजुली के लिए, तो ज़्यादा कुछ चॉइस मुझे यहाँ पर देखना नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की कहानी क्या हुई। तो सुबह 8 बजे मैंने विकास शर्मा जी यानी मेडिकल बॉय के घर से मैंने विदा लिया, और 8:30 बजे मैं बस में बैठ गया था वहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए। तो जागुन बाज़ार से डिब्रूगढ़ की जो डिस्टेंस है वो है 130 किलोमीटर, तो मैंने सोचा कि यहाँ से डिब्रूगढ़ पहुँच जाऊँगा मैं 3 घंटे में, उसके बाद फिर अगले 3 घंटे वहाँ से लगेंगे जोरहाट पहुँचने में, तो शाम के 2-3 बजे तक मैं जोरहाट पहुँच जाऊँगा, जोरहाट में फिर माजुली के लिए यहाँ से फेरी मिलती है वहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से मैं 4-5 बजे तो ईजिली मैं माजुली पहुँच जाऊँगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, यहाँ की जो बसें हैं वो काफ़ी रुक रुक कर चलती हैं, तो मुझे जागुन बाज़ार से डिब्रूगढ़ तक पहुंचने में ही मुझे दोपहर के 1 बज चुका था, यानी कि 4.5 से 5 घंटे मुझे लग गए 120 किलोमीटर तय करने में, जबकि मैंने सोचा था कि ये 12 बजे तक तय हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीच में जो जागुन से
डिब्रूगढ़ वाली जो बस थी, तो बीच में मुझे एक बार बस बदलनी पड़ी, क्योंकि जो जागुन से डायरेक्ट बस जो डिब्रूगढ़ वाली थी उसने तिनसुकिया में उतार दिया, और तिनसुकिया में उतारने के बाद उसने कहा कि ये बस जो है वहाँ तक नहीं जाएगी क्योंकि पैसेंजर कम है, तो सभी डिब्रूगढ़ जाने वाले 2000 पैसेंजर जो भी थे उन्हें दूसरी बस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 1 बजे मैं डिब्रूगढ़ पहुंचा और उसके बाद तुरंत जोरहाट वाली बस में मैं बस गया, और वहां पर वो बस नहीं थी बल्कि जोरहाट जाने वाली थी टेम्पो ट्रेवलर, और उसने कंडक्टर ने मुझसे कहा कि 3 घंटे में जोरहाट पहुंच जाएगी, यानी 1 बजे मैं बैठा था जोरहाट वाली बस में और उसने कहा कि ये 4 बजे तक जोरहाट पहुँच जाएगी, लेकिन वहाँ भी धोखा ही हुआ, यानी वहाँ भी काफ़ी देर हो गई, और जोरहाट में पहुँचा शाम के 5:30 बजे, यानी कि 3 घंटे की जगह लग गए 4.5 घंटे। तो सोचिए जागुन से जोरहाट की जो टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 120 किलोमीटर प्लस 140 किलोमीटर यानी लगभग 260 किलोमीटर, तो लगभग 250 किलोमीटर तय करने के लिए मुझे लग गए लगभग 9.5 घंटे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है असम की, एक्चुअल में यहाँ पर अभी पैसेंजर्स काफ़ी कम है, हो सकता है कोविड की वजह से कम पैसेंजर होंगे, तो लोग काफ़ी कम जा रहे हैं, और कम पैसेंजर की वजह से एक तो किराया भी काफ़ी ज़्यादा है, किराया जो है मुझे लिया गया जागुन से लेकर डिब्रूगढ़ किराया था 280 रुपये, 120 किलोमीटर के लिए 280 रुपये का बस किराया, और उसके बाद वहाँ से डिब्रूगढ़ से जोरहाट की जो डिस्टेंस थी 140 किलोमीटर उसके लिए लिया गया 240 रुपये, यानी टोटल जो है 250 किलोमीटर के लिए मैंने पे किया 520 रुपये। तो बस के लिए फेयर थोड़ी सी ज़्यादा है, और डीजल पेट्रोल की जो कीमत है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाकी दूसरे राज्यों से यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। तो खैर जो भी है, मैं जो है शाम को 5:30 बजे मैं जोरहाट पहुंच गया, तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 बजे से सनसेट हो जाता है, तो 5:30 तक तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो मैंने जोरहाट में मैंने 20-30 लोगों को काउचसर्फिंग रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें से 2-3 लोगों ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसमें से हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला जिस बंदे ने मेरी काउचसर्फिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की वो रहता था, वो बंदा था जोरहाट से 20 किलोमीटर दूर मेरियानी का, तो उसने कहा कि मेरियानी पहुंचने में आपको लगेंगे कम से कम 45 मिनट। तो यहाँ पर एक्चुअल में अंधेरा हो चुका था और वो एरिया सिटी से थोड़ा बाहर था, तो मैंने उस वहाँ जाने का जो आइडिया था उसे छोड़ दिया, मैंने उसे जाने दिया। उसके बाद एक और बंदे ने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो कहा कि मैं अभी जोरहाट में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ। तो वो कहा कि वो 18 या 19 तारीख को पहुँचेगा और आज 17 तारीख, तो फिर उसके साथ भी काउचसर्फिंग कैंसिल हो गया। उसके बाद एक और बंदे ने जो है वो, जबकि वो बंदा खुद यूट्यूबर था, लेकिन उसने काफ़ी इग्नोरेंस दिखाया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो बंदा एक यूट्यूबर है और जोरहाट के जो मेन सिटी में ही उसका घर था, लेकिन उसने मुझे नंबर भी दिया। उसके बाद मैंने उसे जोरहाट पहुँचने से 1 घंटे पहले जो है बस से ही कॉल लगाना शुरू कर दिया था, मैंने उसे 20-30 बार कॉल लगाया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, ना ही व्हाट्सएप पर जवाब दिया, ना ही मैंने उसे ईमेल भी किया, तो जब कॉल नहीं उठा रहा तो ईमेल पर क्या जवाब देगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन उसने किसी तरह कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। 20-30 बार रिंग होने के बाद एक बार उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच चला गया, उसके बाद आउट ऑफ रीच से आने के बाद मैंने बस स्टॉप पर आधे घंटे खड़े होकर फिर उसे ट्राई किया, लेकिन फिर से रिंग होना शुरू हुआ लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप पूरी तरह से अगर काउचसर्फिंग पर डिपेंड हो जाते हैं तो आपको इस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिल सकते हैं, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के भरोसे में अगर जर्नी कर रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि काउचसर्फिंग जो है कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर ही ले, तो इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और इस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मूड पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, अगर वो उतने केयरिंग नेचर का और नए लोगों से मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो बंदा जो है लास्ट में वो मुकर भी सकता है, ऐसा हो सकता है। तो काउचसर्फिंग में आप रेफरेंस देख लें, उस बंदे का हिस्ट्री क्या है, वो प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो काउचसर्फिंग में सिर्फ अकाउंट बना लेने से ही कोई ट्रेवलर नहीं बन जाता है, उस पर उसके लिए एक काउचसर्फिंग में मतलब उसको यूज करने के लिए, दूसरे को होस्ट करने के लिए भी एक एंथुसिज्म होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, तभी जो है व्यक्ति काउचसर्फिंग कर सकता है और दूसरे को होस्ट ऑफर कर सकता है। तो आज की जो काउचसर्फिंग ये तो पॉसिबल नहीं हो पाई, जो कारण है आपको मैंने बता दिया कि बंदे से कांटेक्ट ही नहीं हो पाई, इस कारण से आज की काउचसर्फिंग नहीं हो पाई, और मैंने उसे ईमेल पर भी या व्हाट्सएप पर भी मैंने एड्रेस मांगा था, उसने रीड भी किया मैसेज व्हाट्सएप पर रीड भी किया, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया, यानी कि उसने सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लिया।
तो इस तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अभी मैं एक इस लॉज पे रुका हुआ हूँ, जिसके मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैंने सिर्फ 300 रुपये किए हैं। और अगली सुबह मुझे कल यानी कि 18 नवंबर है कल, तो मुझे निकल जाना है माजुली के लिए। सुबह 7 बजे से फेरी स्टार्ट हो जाती है और फेरी में भी 2 घंटे का वक्त लगता है, तो सुबह 6 बजे मुझे निकलना होगा। अभी शाम के बज रहे हैं यहाँ पर 7, तो थोड़ा सा डिनर वगैरह करने के लिए मैं अभी निकलूँगा बाहर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह अगली वीडियो में। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप मुझे ट्रेवल विथ आरडी सर्च करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मुझसे मैसेज वहाँ पर भेज सकते हैं, मैं अगर पॉसिबल है तो मुझे आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। सो रात के बज रहे 8 और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। वैसे शाम को मैंने फास्ट फूड यानी चाउमीन मैंने खा लिया था, तो पेट में ज़्यादा भूख नहीं है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हल्का फुल्का अगर कुछ मिल जाता है असम का कुछ लोकल, तो मैं उसे ट्राई करूँगा।